हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपके साथ बीएसपी सर। भाई एसपी सर की तरफ से नमस्कार। आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। हम लोग जो पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स, जो ऑप्टिक्स के बहुत सारे बातों को अध्ययन कर चुके हैं, और आज की क्लास में जो एक टॉपिक है जिसका नाम है लेंस। ना क्या बचा हुआ है, एक लेंस बचा हुआ है। इस लेंस के बारे में हम लोग आज पूरी अच्छी तरह से जान लेंगे, किस प्रकार से लेंस से क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछता है, सबका प्रक्रिया जान लेंगे, जिस प्रकार एग्जामों में क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है ना। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं कि लेंस क्या होता है। सबसे पहले एक बात बताते हैं कि जो एक हम लोग का प्रिज्म है, छोटा सा है, जिससे जान लेते हैं कि प्रिज्म होता क्या है ना। इसमें आगे थोड़ा सा इसमें बात है लेंस में, तो इसीलिए इसको बोल सोच रहे हैं कि अभी बता दें या अंत में बता देंगे, बताइए तो, कि बता दें और अंत में भी एक खड़ी बता देंगे ना। चलिए, जो हमारा एक प्रिज्म होता है, जो दो त्रिभुज और तीन आयताकारों से मिलकर क्या होता है, बना होता है ना। जो हमारा प्रिज्म होता है, जिस प्रकार हम बताते हैं कि जो प्रिज्म होता है, जब आप किसी प्रिज्म से जब प्रकाश को क्या करते हैं, गुजारते हैं, तो जब प्रिज्म से जब प्रकाश को क्या करिए गुजरिएगा, तो इस सात रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। इस सात रंग को कैसे देख सकते हैं, तो एक पर्दे पर उतारिएगा तब देख सकते हैं। एक वाइट पर्दा लीजिएगा, जब क्या करिएगा, एक प्रिज्म लेकर प्रिज्म से क्या करिएगा, जब प्रकाश को जब गुजरिएगा, बाज़ार में मिलता है प्रिज्म ना, उसको आप लोग भी किन सकते हैं। और किनने के पश्चात क्या करिएगा, एक टार्च के लिए लीजने के पश्चात उस पर क्या करिए बारिएगा ना। अब बारने के पास उसका जो किरण होगा, एक पर्दे पर उतारिएगा, जो सात रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। यही क्या कहलाता है, हम लोग का प्रिज्म कहलाता है ना। जो प्रिज्म होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जो प्रिज्म में कितने त्रिभुजें होती है, दो त्रिभुज होती है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि दो त्रिभुज यहाँ बन रहा है कि नहीं, एक क्या बन रहा है, दो त्रिभुज बनता है ना, क्या बनता है, दो त्रिभुज बनता है ना, और तीन आयताकार बनता है। देखिएगा आयताकार क्या बन रहा है, एक बन रहा आयत बन रहा है ना, मतलब तीन आयत बनता है, एक बनता है ना, एगो इधर बनता है, एक इधर बनता है, दूगो हुआ, आ एगो अंदरवा बन जाता है, क्या बनता है, एक अंदर बन जाता है। उसी को लेकर आयत हम लोग कितना बनता है, तीन बनता है ना। जब आप प्रिज्म को ऐसे लीजिएगा हाथ पर, तो क्या होगा कि एक किनारे इधर हो जाएगा त्रिभुज, एगो इधर होगा त्रिभुज, आ जो एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा आयत, एक नीचे वा बैठा रहता है, वो तीन को कितना हो जाता है, तीन को आयत होता है और दो क्या होता है, त्रिभुज होता है ना। यहाँ से यही क्वेश्चन पूछता है कि त्रिभुज में कितने परतें होती हैं, तो दो लिख देते हैं, तो लोग कितना होता है, प्रिज्म में कितने परतें, तो दो त्रिभुज होता है, दो क्या होता है, दो त्रिभुज होता है, और तीन कितना होता है, आयत होता है, तीन क्या होता है, आयत होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा ना। जो प्रिज्म होता है, छोटे छोटे पार्टिकुलर्स मिलकर भी क्या बना होता है, जो प्रिज्म है कि जैसे ही इसे क्या करते हैं, हम लोग किरण को गुजारते हैं, क्या करते हैं, जैसे हम किरण को गुजारते हैं, तो गुजारने के पश्चात ये अपने पथ से क्या होता है, विचलन हो जाता है। अब ऐसे किरण जा रही है, फिर ऐसे होगी, अब फिर क्या हो जाती है, ऐसे हो जाती है, और जाकर सब सीधे क्या मिलती है, एक पर्दे पर मिल जाती है, जो सात रंगों में क्या करता है, विभक्त हो जाता है। सात रंगों में वह क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिज्म ना। चले जानते हैं कि जो हमारा होता है लेंस के बारे में हम लोग जानने वाले थे, तो जो लेंस होता है ये, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलिए तो हम लोग जानने वाले थे जो लेंस, लेंस के बारे में यही जानने वाला है। तो जो लेंस होता है, हम लोग का लेंस का प्रयोग बहुत जगह पे होता है, हर जगह पे देखेंगे कि जो मोबाइल का प्रयोग करते हैं आप लोग, कैमरा का, उसमें भी क्या होता है, लेंस का ही प्रयोग होता है। मतलब मोबाइल में भी लेंस का प्रयोग होता है ना, कैमरा में भी लेंस का उपयोग करते हैं। कभी देखे होंगे कि जो बूढ़ा व्यक्ति होते हैं, बूढ़े व्यक्ति के अगर आँख अगर से डिम दिखाई देता है, तो क्या करते हैं कि तुरंत आँख में क्या करते हैं, लेंस डलवाते हैं। डलवाने के पश्चात क्या करते हैं, चश्मा का उपयोग भी उन लोगों ने, एक चश्मा का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, क्या करते हैं उन लोगों ने, एक चश्मा का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, एक चश्मा का उपयोग करते हैं उन लोग का करते हैं कि चश्मा का भी उपयोग करते हैं ना, चश्मा का भी उपयोग करते हैं। कौन, तो हमारे दादाजी होते हैं, दादी जी होती हैं, वो क्या करते हैं, चश्मा का भी उपयोग करने लगती हैं। कहा है कि उनका जो आँख होता है, उसका लेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब कि लेंस खराब हो जाता है, जिससे वह लेंस डलवाते हैं और फिर चश्मा का उपयोग करते हैं। किसी का लेंस
ठीक रहता है तो वह चश्मा भी पीका हो जाता है, रोशनी आ जाती है ना। अब क्या होता है कि जो आँख के रूप में भी हम लोग का करते हैं कि लेंस, जो आँख होता है हम लोग का वो भी क्या होता है, उसमें एक लेंस पाया जाता है जिसका नाम होता है लेंस का उत्तल लेंस होता है ना। तो लेंस जो होता है हर एक जगहों पर मतलब कि जो उपयोग के रूप में आ जाता है, जैसे हमारा मोबाइल हो गया, मोबाइल में भी क्या होता है लेंस का ही हम लोग का प्रयोग होता है कैमरे के रूप में ना महत्वपूर्ण। इसकी वजह से दूरबीन आप लोग देखे होंगे कि जो सूक्ष्मदर्शी दूरबीन जो होता है, दूरबीन ना कहते हैं, कोई कहता है कि नील ऑस्टोन आया गया था का चंद्रमा पे, तो वह दूरबीन का भी उपयोग किया जाता था, मतलब चंद्रमा को भी देखने में क्या कहते हैं दूरबीन का उपयोग किया जाता है। तो दूरबीन में भी लगाया जाता है कि एक लेंस ही लगता है ना, क्या लगता है तो लेंस ही लगता है। अगर आप बताते हैं कि बताते हैं हम कि जो अगर प्रकाश को अगर दूर तक भेजना रहता है तो कि दूर तक, उसमें भी क्या किया जाता है लेंस का ही प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। अब दूर तक वस्तु को क्या करना है, देखना है हमको, दूर तक वस्तु को देखना है तो हम क्या करते हैं दूरबीन का उपयोग करते हैं। तो वो जो दूरबीन होता है उस दूरबीन में क्या होता है लेंस ही पाया जाता है, जिससे हम दूर की वस्तु क्या करते हैं देख पाते हैं। हम मोबाइल का आजकल उपयोग करते हैं, कहीं भी वस्तु रहता है उसको जूम करते हैं, क्या करते हैं जूम करते हैं, जूम करने के पश्चात उसको साफ साफ हम क्या करते हैं पढ़ लेते हैं देख लेते हैं, वो सब क्या होता है लेंस ही होता है, वो सब क्या है तो लेंस ही है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं लेंस कहते हैं सूक्ष्मदर्शी, मतलब कि जो हम लोग जो सूक्ष्मदर्शी होता है मतलब छोटे छोटे पार्टिकल कण होता है उसको भी देखने के लिए हम क्या करते हैं एक लेंस का ही क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। जो हमारा लेंस है बहुत जगह बड़ा होता है यूज होता है, बल्कि लोगों को पता नहीं होता है यह चीज़ है क्या, मतलब यह चीज़ है क्या लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन जो लेंस से ही क्या ये सब बना होता है ना। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि जो लेंस होता है यह एक अपारदर्शित, मतलब कि जो लेंस होता है पारदर्शित पदार्थ का एक क्या होता है पदार्थ होता है, मतलब कि जो लेंस होता है पारदर्शित पदार्थ का एक छोटा सा क्या होता है कि गोला होता है, पारदर्शित पदार्थ का एक छोटा सा गोला होता है, क्या होता है जो हमारा लेंस होता है लेंस पारदर्शित पदार्थ का एक वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों में क्या होता है घिरा होता है। पारदर्शित पदार्थ का जो एक टुकड़ा होता है गोला होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय आकार में क्या हो घोरा होता है। हम जो यहाँ पर लेंस बना है वो लेंस बना है उत्तल लेंस न, उत्तल लेंस क्या होता है कि उभरा हुआ होता है, क्या होता है उभरा हुआ होता है न। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उभय उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस सबको जानेंगे एकदम बेहतरीन तरह से और तोड़ तोड़ कर जानेंगे न। आई होप आप लोग को समझ में आया हो कि जो लेंस होता है लेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ अनेक जगहों पर हम लोग क्या करते हैं उपयोग करते हैं न। तो लेंस में समझ में आ गया तो जो हम लोग का लेंस होता है मतलब कि जो लेंस क्या होता है पारदर्शित पदार्थ का एक क्या होता है टुकड़ा होता है, पारदर्शित पदार्थ का क्या होता है एक पारदर्शित पदार्थ का क्या होता है एक टुकड़ा होता है जो निश्चित निश्चित ज्यामितीय आकार में क्या होता है, क्या होता है जो हमारा एक निश्चित ज्यामितीय आकार से घिरा होता है। कौन जो लेंस क्या होता है कि निश्चित ज्यामितीय आकार से क्या होता है घिरा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं लेंस कहते हैं। लेंस एक पारदर्शित पदार्थ का क्या होता है एक टुकड़ा होता है, पारदर्शित पदार्थ का एक टुकड़ा होता है जो दो ज्यामितीय आकार से क्या होता है घिरा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं लेंस कहते हैं। जो हमारा लेंस होता है दो रूप में होता है, एक होता है उत्तल लेंस एक होता है, जो हमारा लेंस होता है एक होता है क्या होता है उत्तल लेंस, क्या होता है उत्तल लेंस न, उत्तल लेंस होता है, एक होता है अवतल लेंस, क्या होता है अवतल लेंस न, क्या होता है अवतल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस एक होता है हम लोग का अवतल लेंस न। चलिए उत्तल लेंस का के बारे में जानते हैं कि जो वैसा लेंस जिसे बीच का भाग क्या होता है मोटा होता है और किनारा का भाग क्या होता है पतला होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं उत्तल लेंस कहते हैं, क्या कहते हैं उत्तल लेंस किसे कहते हैं कि मतलब कि उत्तल लेंस क्या कहते हैं उत्तल लेंस जिसे किनारों का भाग क्या होता है पतला, जो किनारे के भाग का मतलब कि हम शुरू में उस समय बोलते हैं कि मोटा भाग का होता है बीच का और किनारे का भाग का पतला होता है, उसे दिक्कत नहीं आगे चाहे पीछे उसे बोलिए उसे दिक्कत नहीं होने वाला है। मतलब किनारे का भाग क्या होता है पतला होता है, क्या होता है पतला होता है, और बीच का भाग क्या होता है मोटा होता है, बीच का भाग मोटा होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस किसे कहते हैं
वैसा लेंस जिसे किनारे का भाग क्या होता है पतला होता है और बीच का भाग क्या होता है मोटा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं उत्तल लेंस कहते हैं ना। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, मतलब बीच का भाग क्या होता है मोटा होता है और किनारे का भाग क्या होता है पतला होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं उत्तल लेंस कहते हैं। ऐसा में जो किनारे का भाग क्या होता है पतला होता है और बीच का भाग क्या होता है मोटा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस के जो आकार बनता है हम लोग का ऐसा बनता है, कैसा बनता है ऐसा बनता है ना, यह क्या होता है हम लोग का उत्तल लेंस होता है, क्या होता है उत्तल लेंस होता है ना, यह हमारा क्या है उत्तल लेंस। इसे उभरा जो मतलब कि बाहर के जो भाग होता है उभरा हुआ होता है, उत्तल लेंस का बाहर का जो भाग होता है उभरा हुआ होता है, उत्तल लेंस बाहर की जो भाग होता है हम लोग का उभरा हुआ होता है ना। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं कि उत्तल लेंस जो हो गया, उत्तल लेंस तो हो गया, लेकिन जो उत्तल लेंस होता है यह भी तीन रूप में होता है। क्या होता है जो हमारा उत्तल लेंस होता है यह भी हम लोग की तीन रूपों में होता है, तो इन तीन रूपों के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे तनिक अध्ययन करेंगे। लेकिन एक बात है कि हम इसको मिटका देते हैं, आप लोग स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए इसको ना, स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, हम इसको क्या करेंगे एकदम अच्छी तरह से मिटा देते हैं ना। चलिए हम जान गए इतने पे ना, तो अब हम चलते हैं उत्तल लेंस पे। क्या करते हैं कि उत्तल लेंस पे हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस क्या कहलाता है ना, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस वैसा लेंस जो किनारे का भाग क्या होता है पतला होता है और बीच का भाग मोटा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं उत्तल लेंस कहते हैं। जो उत्तल लेंस होता है हम लोग का मुख्य रूप से क्या होता है कि तीन रूप में होता है। क्या होता है जो उत्तल लेंस होता है मुख्य रूप से हम लोग का तीन रूप में बांटा जाता है। क्या रूप में, तो तीन रूप में। एक होता है हम लोग का उभय उत्तल लेंस, एक होता है समतल उत्तल लेंस, एक होता है अवतल उत्तल लेंस। क्या होता है, एक होता है हम लोग का उभय उत्तल लेंस, क्या होता है उभयतल उत्तल लेंस, क्या बोलते हैं उभयतल उत्तल लेंस। एक होता है समतल उत्तल लेंस, एक होता है अवतल उत्तल लेंस ना। चलिए जानते हैं कि जो क्या कहलाता है कि जो उत्तल लेंस होता है उत्तल लेंस के तीन रूप होता है, तो इन तीनों रूप के बारे में हम लोग क्या अब जानते हैं कि एक होता है उभय लेंस होता है, एक होता है दूसरा जो होता है समतुल्य उत्तल लेंस, क्या होता है समतो समतुल्य उत्तल लेंस, एक होता है हम लोग का अवतल, क्या होता है अवतल उत्तल लेंस होता है, क्या होता है लेंस होता है ना, लेंस 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 होता है। क्या होता है, एक होता है उभय उत्तल, एक होता है समतुल्य उत्तल, एक होता है अवतल उत्तल होता है ना। चलिए सबको बारी बारी से एकदम क्या करते हैं हम लोग जान लेते हैं कि सबको बारी बारी से एकदम बेहतरीन तरह से हम लोग जानेंगे कि उभय उत्तल क्या कहलाता है, समतुल्य उत्तल क्या कहलाता है, अवतल उत्तल क्या कहलाता है, जान लेना। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे एकदम बेहतरीन तरह से समतुल्य उत्तल, उत्तल उत्तल और अवतल उत्तल के बारे में जानेंगे ना। तो समतुल्य सॉरी उभय उत्तल यही बतलाता है कि जो दोनों का भाग क्या मतलब कि दो भाग से मिला होता है, मतलब दोनों का जो भाग होता है उत्तलों से मिलकर बना होता है। उत्तल ये पहला भाग और दूसरा भाग दोनों क्या हो उत्तल हो, उसे क्या कहते हैं उभय उत्तल कहते हैं, क्या बोलते हैं उभय उत्तल बोलते हैं। मतलब दोनों का भाग क्या हो उत्तल हो, क्या हो पहला भाग और दूसरा भाग क्या हो उत्तल हो, उसे क्या बोल देंगे उभय उत्तल बोलेंगे, क्या बोलेंगे उभय उत्तल बोलेंगे ना। जो पहला भाग और देखिए पहला भाग हो गया ना, आए ये क्या हो गया दूसरा भाग, दोनों भाग क्या हो उत्तल हो, पहला भाग और दूसरा भाग दोनों क्या हो उत्तल हो, उसे क्या बोलेंगे उभय उत्तल बोलेंगे, क्या बोलेंगे उभय उत्तल लेंस बोलेंगे ना। अब आते हैं समतुल्य उत्तल लेंस, वैसा लेंस जो एक साइड समतल और दूसरे साइड उत्तल होता है उसी को क्या कहते हैं समतुल्य उत्तल। देखिएगा एक साइड क्या हो गया समतल हो गया और दूसरे साइड क्या हो गया
उत्तल हो गया, इसे क्या कहेंगे? समतुल्य उत्तल लेंस। क्या कहेंगे? समतुल्य उत्तल लेंस। कैसा? तो चंदा मामा के जैसा ना, एकदम बीचे बीचे फट जटा है तो सही लगता है ना। मतलब समतुल्य उत्तल कैसा? तो एक साइड समतल और दूसरे साइड उत्तल, उसे क्या कहेंगे? समतुल्य उत्तल। लिख लीजिएगा ना कि एक साइड समतल और दूसरे साइड उत्तल, उसी को क्या कहेंगे? समतुल्य उत्तल। अब नेक्स्ट आता है अवतुल्य उत्तल। मतलब ऐसा लेंस जिसका एक साइड अवतल और दूसरे साइड उत्तल हो, उसे क्या कहेंगे? समतुल्य उत्तल लेंस कहते हैं। एक साइड अवतल और दूसरे साइड उत्तल, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतुल्य उत्तल कहते हैं। क्या कहेंगे? अवतुल्य उत्तल कहते हैं। देखिए हई जो भाग हो गया हम लोग का क्या हुआ? अवतल का हुआ न। आईसी के भाग पर क्या बुला दिए हम? उत्तल बुला दिए। ये क्या हो गया हम लोग का? उत्तल हो गया। आई क्या हो गया? अवतल हो गया। इन दोनों को क्या कर दे? मिला दिए। क्या हुआ? अवतुल्य उत्तल लेंस। क्या हो गया? अवतुल्य उत्तल लेंस। क्या हुआ? अवतुल्य उत्तल लेंस। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ना। ठीक है, तो अब इसके प्रॉपर्टीज पे जान लेते हैं, मतलब इसके थोड़ा गुण के भी जान लेते हैं ना। तो इसका आप इतना पे स्क्रीनशॉट लीजिए और कुछ गुण के बारे में, उत्तल लेंस के गुण के बारे में भी क्या जान लेते हैं कि उत्तल लेंस की आखिर ऐसा क्या क्या गुण होता है ना। चलिए जान लेते हैं कि उत्तल लेंस की जो गुण के बारे में भी थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ना, जल्दी लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो थोड़ा इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरह से ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइम दिए हैं और चाहे लिखना चाहते हैं तो जल्दी लिख लीजिए इसको ना, लिखना चाहते हैं तो जल्दी लिख लीजिए। हो गया ना? बताइए तो हो गया होगा? आई होप आप लोग को हो गया होगा। आगे हम बढ़ सकते हैं ना। ठीक है, तो इतना लिख लिए होंगे, आगे हम बढ़ते हैं ना। अब इसकी प्रॉपर्टीज पर चलते हैं। तो इसको हम इरेजर कर देना, बता दिए कि उत्तल लेंस कैसा होता है ना। अब इसको हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं। तो पूछता है कि कुछ जो क्वेश्चन होता है कि जो हम लोग की आँख में लेंस पाया जाता है, तो कौन सा लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस में कौन सा लेंस? तो उभय उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में कौन सा लेंस? तो उभय उत्तल लेंस। है समझ में ना? तो सबसे पहले अपना क्या लिखेगा कि उत्तल लेंस का उपयोग, क्या लिखेगा? उत्तल लेंस का उपयोग मतलब प्रॉपर्टीज, उपयोग। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहला नंबर में डालिएगा, सबसे पहले क्या डालिएगा कि उत्तल लेंस का उपयोग चश्मा के दूरदृष्टि को अर्थात दूर करने में, क्या करने में? चश्मा को दूर का, ये क्या होता है कि पूछता रहता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? दृष्टि का, दूरदृष्टि के, दूरदृष्टि के, दूरदृष्टि को दूर करने में, दूरदृष्टि को दूर करने में। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ होता है बता देते हैं ना। दादाजी के चश्मा देखिएगा कभी ना, कि क्या करिए कि दादाजी का चश्मा लीजिएगा, दादाजी के चश्मा ले लेते हैं ना। ये क्या हो गया? हमारे दादाजी का चश्मा हो गया, किसी के भी दादाजी के, हमारे दादाजी के चाहे किसी के दादाजी के ले लीजिए। क्या हो गया? दादाजी का चश्मा हो गया ना। चश्मा को ऐसे ले लीजिए और इसका जो कुंडी हो गया ऐसे हो गया, सॉरी, इसका जो कुंडी हो गया ऐसे हो गया ना, इसका जो कुंडी है वो ऐसे हो गया। किसी भी दादाजी के का है चश्मा है, मान लीजिए किसी दादाजी के का है चश्मा है, ऐसा हो गया कुंडी ना, कुंडी हो गया। आप देखे होंगे कि जो नीचे वाला भागवा दिखेगा तो ऐसा रहता है, देखिएगा नीचे वाला भागवा क्या होता है? ऐसा होता है। जो है नीचे वाला भागवा होता है इसको क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। हाई जो ऊपर वाला भागवा होता है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो अवतल लेंस। क्या बोलेंगे? अवतल लेंस ना। ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस। नीचे वाले भाग को अवतल लेंस। क्या बोलेंगे? नीचे वाले भाग को उत्तल लेंस, ऊपर वाले भाग को अवतल लेंस ना। ऊपर वाले भाग को उत्तल लेंस, सॉरी अवतल लेंस, और नीचे भाग वाले भाग को अवतल लेंस, नीचे वाले भाग को अवतल लेंस, सॉरी
नीचे वाले भाग को क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस। ऊपर वाले भाग को अवतल लेंस। नीचे वाले भाग को उत्तल लेंस, ऊपर वाले भाग को अवतल लेंस। आ जाएगा समझ में ना कि जो ऊपर में रहता है मतलब दूर की दृष्टि को देखने के लिए, मतलब दूर की वस्तु को देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग? दूर की वस्तु को देखने के लिए क्या का उपयोग करते हैं? अवतल का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का। और नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, हम बता देते हैं कि जो अवतल लेंस का निकट दृष्टि क्या कहलाता है? क्या पूछता है? निकट दृष्टि ना, तो आएगा निकट दृष्टि क्या है? दूर दृष्टि पे है तो दूर दृष्टि के बारे में अभी जान रहे हैं, निकट दृष्टि आएगा जो हम उत्तल को पढ़ेंगे तब न। तो अभी आप लोग दूर दृष्टि के बारे में समझ लीजिए, दूर दृष्टि क्या कहलाता है न, दूर दृष्टि क्या कहलाता है? दूर दृष्टि के बारे में यही समझ लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, हर एक बार एग्जाम में पूछता है यहाँ से कि दूर दृष्टि क्या कहलाता है। जब किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि हो जाता है तो कहाँ की वस्तु ना दिखाई देता है? देखिए, दूर दृष्टि जो होता है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। क्या होता है? जो दूर की जो वस्तु होता है साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। क्या बोलते हैं? दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। मतलब दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और नज़दीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? दूर दृष्टि के लेंस का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे हम लोग बोलते हैं हाइपरमेटोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपरमेटोपिया बोलते हैं। इसे दृष्टि दोष को क्या करते हैं? हाइपरमेटोपिया बोलते हैं। दूर दृष्टि दोष का बोलते हैं हम लोग, इस दूर दृष्टि दोष का बोलते हैं हाइपरमेटोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपरमेटोपिया बोलते हैं। किसको? दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेटोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपरमेटोपिया बोलते हैं। जो दूर दृष्टि होता है, पोषण पूछता है कि हाइपरमेटोपिया क्या कहलाता है, तो दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? हाइपरमेटोपिया कहा जाता है। कहलाता है हाइपरमेटोपिया कहलाता है। क्या कहलाता है? दूर दृष्टि को कहते हैं। है समझ में? मतलब कि दूर की वस्तु साफ साफ एकदम दिखाई देता है, लेकिन नज़दीक की वस्तु साफ साफ ना दिखाई देता है, इसी को क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष। ऐसे समझ में ना, ठीक है, कि दूर दृष्टि क्या कहलाता है। तो आइए आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि देखिए कि जो दादाजी चश्मा पहनते हैं, ठीक है, चश्मा लगा लेते हैं ना, चश्मा लगा कर दिखा दें क्या आप लोग को? चलिए ना, मान लीजिए कि चश्मा लगा कर देखा, जब दादाजी चश्मा पहनते हैं, ठीक है, दादाजी चश्मा पहनते हैं, तो जो नीचे वाला जो भाग का होता है उत्तल होता है। आखिर उत्तल का प्रयोग क्यों करते हैं? देखिए समझ लीजिए कि जो उत्तल जो प्रयोग क्यों इसीलिए किया जाता है कि जो उत्तल लेंस होता है दूर दृष्टि उसका करता है कि साफ साफ देखता है, लेकिन नज़दीक की वस्तु को साफ साफ ना देख पाता है, तो इसी का बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। मतलब दूर को देख ले, नज़दीक ना देखो। आप क्या करते हैं दादाजी? अखबार लेके बैठते हैं पढ़े ना, आप दूर की वस्तुओं को देख लेते रहन और नज़दीक वाले वस्तुओं को नहीं देख रहे हैं। मतलब कि जो आँखें का होता है नीचे आ जाता है, तो नीचे आकर क्या करता है कि पढ़ने लगता है। तो जो नीचे होता है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस क्या करता है कि फट देने फोकस बनाएगा। कहाँ पे? रेटिना पे। फट दे, दादाजी पढ़िए, कौन कहता है? ब्रेन कहता है, दादाजी पढ़िए, लिखा है कमल कमल, खरगोश 4 दिन से बीमार था, लिखा हुआ है पेपर में ना। तो दादाजी खूब पढ़ने लगे, नाती इधर आओ, अब बुला के खूब है बोल, कख किसे कहते हैं? कख किसे कहते हैं? हाँ कख बताओ, कख क्या है बताओ? आप पूछ लेते हैं, बोलते हैं कि प्रकाश क्या है? अब तेज होंगे दादाजी, पढ़े होंगे एकदम, 10 क्लास इंटर बी ए पढ़े होंगे, तो बोलेंगे ए इधर आ, प्रकाश किसे कहते हैं? अब बोलेंगे प्रकाश क्या है? अब तुरंत बोलेंगे दादाजी, अब आराम से एकदम दिखाई दे रहा है, तुम्हारा कॉपी चेक करें, हाँ प्रकाश तुम्हारे मास्टर जी पढ़ाए हैं, चलो बताओ कि प्रकाश क्या कहलाता है, आप बता सकते हैं ना? आई होप लोग को समझ में आया होगा ना, ठीक है, कि वो दूर दृष्टि क्या कहलाता है। आप चलते हैं हम लोग नीचे, चलते हैं नीचे में आता है हम लोग का एक, इसे क्या बोलते हैं? हाइपरमेटोपिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको लिख दें हाइपरमेटोपिया। क्या बोलते हैं? हाइपरमेटोपिया। इसे हाइपरमेटोपिया में ट्रोपिया बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं ना, इसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। लिख लीजिएगा ना। देखिए पढ़ने का मतलब यही होता है कि हर चीज़ की
जानकारी लेना अति आवश्यक होता है। पढ़ाई यही है कि जो हर चीज़ की जानकारियाँ ले लिए जाए ना। चलते हैं कि जो दो नंबर पे हम लोग आता है मैग्नीफाइड ग्लास के तौर पर, क्या होता है मैग्नीफाइड ग्लास के तौर पर, मैग्नीफाइड ग्लास के तौर पर, मैग्नीफाइड ग्लास के तौर पर। जो तीसरा हम लोग का आता है मैग्नीफाइड ग्लास के तौर पर माइक्रोस्कोप और टेलियोस्कोप, क्या तो माइक्रोस्कोप, क्या माइक्रोस्कोप और चाहे या लिखो ना और टेलियोस्कोप, टेलीस्कोप है, समझ में ना। मतलब माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का कहाँ प्रयोग किया जाता है, माइक्रो का मतलब किसी सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए ना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मानव नेत्र के आँख में भी क्या होता है, उभय उत्तल लेंस पाया जाता है। चौथा में लिख लीजिए कि जो चौथा में लिखिएगा मानव के नेत्र में, मानव के नेत्र में उभय का उभयतल लेंस पाया जाता है ना, हो गया चार को। अब पांचवा में लिखिए कैमरा के छवि को ध्यान में, मतलब कि जो कैमरा के रूप में, क्या कैमरा के छवि को जूम करने में, अब क्या करते हैं कि मोबाइल पे कोई पढ़ाते हैं टीचर ना, कोई वस्तु उस पर अक्षर कोई शब्द ना दिखाई दिया तो क्या करते हैं, फट दें इसे चिमोर लेता है, इसका मुँह करता है, इसे कहता है तो उसका मुँह खुल जाता है और ही तो क्या होता है उत्तल लेंस के ही कारण ना। देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो हम लिखे हैं मानव के नेत्र में उभय उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है, लेकिन उभय उत्तल के जगह पर उत्तल लेंस देता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ना। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा इतना बात को आप लोग को। और अब हम लोग चलते हैं उत्तल लेंस के बारे में जानते हैं ना। तो आपको क्या करें कि इसको स्क्रीनशॉट जल्द ले लीजिए ना, कि आप लोग को उतारने में देरी होगा, हम उतने देरी में आगे बढ़ जाएंगे ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं हम, चले ये ना। अब हम लोग चलते हैं अवतल लेंस के बारे में जानते हैं, क्या करते हैं कि अवतल लेंस के बारे में जान लेते हैं कि अवतल लेंस क्या कहलाता है ना, अवतल लेंस क्या कहलाता है, अवतल लेंस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्या बनेंगे अवतल लेंस, क्या होगा अवतल लेंस ना, जान लेते हैं कि अवतल लेंस क्या कहलाता है ना। क्या उत्तला तल, क्या होगा उत्लवा उत्लावत, क्या हो जाएगा उत्तल ना, क्या होगा कि उत्तल यावत होगा, उभय उत्तल का होगा, हो जाएगा उभय उत्तल जी, उभयावतल हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा समतलावत, क्या होगा समतलावत, क्या होगा समतलावत, ई क्या हो जाएगा उत्तलावत, ई क्या हो जाएगा उत्तलावत, ये हो गया उत्तलावत ना।
चलिए जानते हैं कि उभय तल और समतलावत और उत्तलावत क्या कहलाता है, इसके बारे में एकदम बेहतरीन तरह से जान लेते हैं ना। चलिए जान लेते हैं कि लेंस की उत्तल लेंस के बारे में हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस सॉरी अवतल लेंस के बारे में जानते हैं कि अवतल लेंस क्या कहलाता है। अवतल लेंस यही बतलाता है कि जो किनारे का जो भाग होता है मोटा होता है और बीच का भाग पतला होता है। किनारे का भाग मोटा और बीच का भाग पतला, उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। किनारे का भाग मोटा, सॉरी एक बार हम आपको एक चीज़ छोड़ दिए हैं, जो उत्तल लेंस में लिख लीजिए, जो उत्तल लेंस होता है हम लोग का अभिसारी लेंस होता है। क्या होता है, जो उत्तल लेंस होता है हम लोग का अभिसारी लेंस होता है, एक चीज़ छूट गया है, आप लोग लिख लीजिए ना, अभी याद पड़ा है हमको, जो उत्तल लेंस होता है अभिसारी लेंस होता है। क्या होता है, अभी एक 22 यहाँ से क्वेश्चन हर बेरी है पूछता है, इसी छूट गया है। उत्तल लेंस एक अभिसारी लेंस है ना, अब इसको समझा देते हैं। देखिए यहाँ से ये हरदम क्वेश्चन पूछता है, यही चीज़ छूट गया है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, तो देगा हाँ हाँ ना, इनमें से कोई नहीं ना। अब देखिए समझा देते हैं कि अभिसारी लेंस क्या कहलाता है ना। अभिसारी लेंस यही कहलाता है कि जब कोई किरण को क्या करता है, जो किरण को जो लेंस होता है हमारा छोटे छोटे प्रिज्म से मिलकर बना होता है। अभी हम प्रिज्म आपको बताए हैं आगे कि जो लेंस होता है जो छोटे छोटे का होता है कि प्रिज्म से मिलकर बना होता है, कौन, हमारा उत्तल लेंस और अवतल लेंस, जो छोटे 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 प्रिज्मों से मिलकर बना होता है ना। अब ठीक है, जो हमारा लेंस हो गया उत्तल लेंस, मान लीजिए हमारा क्या हो गया उत्तल लेंस ना, उत्तल लेंस हो गया, क्या हो गया उत्तल लेंस ना, उत्तल लेंस हो गया ना भाई, उत्तल लेंस से ये क्या होगा कि छोटे छोटे प्रिज्म से क्या हुआ है मिलकर बना हुआ है, क्या हुआ है कि छोटे छोटे प्रिज्म से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे प्रिज्म से मिलकर बना हुआ है। अब जैसा ही क्या होता है कि जब भाई मान लीजिए प्रधान अक्ष हो गया ना, अब जैसा ही इस पर क्या होता है कि किरण आता है, आने के बाद क्या होता है एक बिंदु पर सब किरण क्या होता है मिलती हुई आ जाता है, सब किरण क्या होता है प्रिज्म से आता है, सबके जो किरण आती है सब मिलती हुई प्रतीत होती है, कहाँ पर एक बिंदु पर मिल जाती है सब किरण आकर, हाँ जितने भी किरण आती है एक बिंदु पर मिल जाती है, मतलब जो किरण जितने भी किरण होती है सबका अभिसारी किरण, मतलब कि सबका एक बिंदु पर आकर मिलन हो जाता है, यही क्या कहलाता है अभिसारी कहलाता है, क्या कहलाता है अभिसारी कहलाता है, सॉरी अभिसारी कहलाता है, क्या कहलाता है अभिसारी ना, मतलब अभिसारी यही बतलाता है कि जब जितने भी किरण होता है आने के पश्चात एक बिंदु पर मिल जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं अभिसारी कहलाता है, जितने भी किरण होती है वह एक बिंदु पर आकर मिल जाती है वही क्या कहलाती है अभिसारी कहलाती है। तो हम लोग का इसलिए कैसे कहें बोलते हैं अभी उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, मतलब कि जितने भी किरण है जब उत्तल लेंस ले आ देंगे तो लाने के पास जितने भी उससे उत्तल लेंस से किरण प्रवेश होगा वह एक बिंदु पर आकर मिल जाता है, इसलिए उत्तल लेंस को क्या कहते हैं अभिसारी लेंस कहते हैं। हम आपको बता है ना कि कभी टार्च में भी क्या दूर की वस्तु को टार्च को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि जो बड़े बड़े जो टार्च आता है देखते हैं कि बहुत दूर तक प्रकाश जाता है तो उसमें क्या करता है कि अवतल लेंस दर्पण के जगह पे उत्तल लेंस का प्रयोग करता है, क्या करता है अवतल दर्पण के जगह पे उत्तल लेंस के प्रयोग करता है जिससे दूर तक प्रकाश जाता है, क्या होता है दूर तक प्रकाश जाता है, तो उस जो प्रकाश को देखिए कैसे जाता है, अब क्या होता है कि जितने भी है किरण आ रही है जितने भी छोटे जो किरण आ रही है एकदम छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में जितने भी किरण आ रहा है जो छोटे छोटे प्रिज्म से होते हुए एक बिंदु पे क्या हो रहा है मिल जा रहा है, क्या हो रहा जा रहा है अभिसारी हो जा रहा है, ये जो किरण होगा ये केवल इतना तेज़ी से मारेगा ढकेल देगा कि दूर तक दिखाई देता है, क्या होता है इतना तेज़ी से मतलब कि स्पीड से बगे देगा कि वह दूर तक दिखाई देता है, मतलब देखते हैं कि जो उत्तल लेंस का जो टार्च होता है जो उत्तल लेंस का जो टार्च होता है दूर तक वस्तु दिखाई देता है। आजकल देखते हैं कि डीजे में क्या कर रहा है कि बांध लेता है बल्ब और क्या हो रहा है कि गोल गोल चक्कर लगाते रह रहा है, देख रहे हैं ना कि आजकल जो डीजे आ रहा है उस डीजे में क्या कर रहा है कि बल्ब लगा दे रहा है ना, और जो बल्ब हो रहा है जिस प्रकार से चल रहा है मोटर के अनुसार चल रहा है और चलने के पश्चात जितने भी मोटर है वह चल रहा है, ऐसे ऐसे क्या हो रहा है कि ऐसे ऐसे गोल गोल कर रहा है कि नाच रहा है, इसका जो प्रकाश हो रहा है दूर दूर तक जा रहा है,
कारा एक दूर दूर जा रहा है, मतलब उसमें क्या चीज़ का प्रयोग किया है, उसमें अवतल लेंस का मतलब कि सॉरी उत्तल लेंस का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है, जिससे सबके किरणों का एक समय बटोर रहा है, सीधे का करे कि प्रकाशित कर दे रहा है, इसी का कहेंगे उत्तल लेंस कहेंगे। ऐसा समझ में ना कि अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है कि ना, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा ना। चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग उभय उत्तल क्या कहलाता है ना, कि उभय उत्तल हम लोग का क्या कहलाता है, उभय उत्तल के बारे में हम लोग जान लेते हैं ना, कि उभय उत्तल क्या कहलाता है ना। चलिए अब क्या करते हैं कि उभय उत्तल यही कहलाता है कि जब दोनों भाग का हो अवतल हो, उसे क्या कहते हैं, उभयावतल कहते हैं। क्या कहते हैं, दोनों भाग उत्तल हो, मतलब दोनों भाग उत्तल लेंस का होता है, उसे क्या कहते हैं, उभयावतल लेंस। क्या कहते हैं, उभयावतल लेंस, मतलब दोनों का जो भाग क्या होता है, उत्तल होता है, उसे क्या कहते हैं, उभयावतल लेंस। इसका जो आकार होता है ऐसा होता है, देखिए बना देते हैं, ऐसा होता है, क्या होता है, ऐसा होता है। क्या हो रहा है कि देखिए, हयो उत्तल सॉरी यो अवतल हो गया, यो अवतल हो गया, तो इसलिए क्या कहते हैं, उभयावतल लेंस। क्या कहते हैं, उभयावतल लेंस ना, मतलब दोनों भाग क्या हो, अवतल हो, उसे क्या कहते हैं, उभयावतल लेंस, मतलब दोनों भाग अवतल हो ना, उसे क्या कहते हैं, उभयावतल। वैसा लेंस जो बीच का भाग का हो पतला हो और किनारे का भाग क्या हो रहा है, मोटा हो रहा है। देख रहे हैं, जो किनारे का जो भाग है मोटा है, मोटा है, लेकिन बीच का जो पतला है ना, बीच के भाग का है पतला है, इसे क्या बोलेंगे, अवतल लेंस कहेंगे, मतलब उभय उत्तल लेंस कहेंगे। क्या बोलेंगे, उभय उत्तल लेंस कहते हैं। ऐसे समझ में ना, उभय उत्तल को क्या, अवतल लेंस कहते हैं ना। आता है समतल लेंस ना, वैसा लेंस जो एक तरफ समतल और दूसरी तरफ अवतल होता है, उसी का कहते हैं समतल उत्तल, मतलब वैसा लेंस जो एक तरफ समतल और दूसरी तरफ अवतल हो, उसे क्या कहते हैं, समतल उत्तल। क्या कहते हैं, समतल उत्तल, देखे होंगे ऐसा बनता है, क्या होता है, ऐसा होता है, इसे क्या कहेंगे हम लोग, समतल उत्तल। क्या बोलेंगे, समतल उत्तल। है समझ में ना। अब आता है उत्तल लेंस, वैसा लेंस, वैसा लेंस जो एक भाग उत्तल और दूसरा भाग अवतल हो, उसे क्या बोलेंगे, उत्तल उत्तल लेंस कहेंगे। एक भाग का हो उत्तल हो और दूसरा भाग अवतल हो, उसे क्या कहेंगे, समतल उत्तल लेंस, सॉरी अवतल उत्तल लेंस। क्या बोलेंगे, अवतल उत्तल लेंस। वैसा लेंस जो एक भाग का हो उत्तल हो और दूसरा भाग अवतल हो, उसे क्या कहेंगे, उत्तल उत्तल लेंस। देखिए है क्या हो गया, भाग हमारा हो गया उत्तल का हो गया ना, और जो भाग हो गया हम लोग का अवतल का हो गया, क्या हो गया, अवतल का हो गया ना, क्या हो गया, भाग अवतल का हो गया, इन दोनों का कदर मिला दे रहे हैं, यही क्या कहलाता है, उत्तल उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस, उभय उत्तल लेंस ना। इसको एकदम अच्छी तरह से जान लीजिएगा ना। आप चलते हैं प्रॉपर्टी के बारे में, मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी क्या निकलता है, अवतल लेंस की प्रॉपर्टी क्या निकलता है, निकालने के बाद इसके बाद हम लोग की समाप्त हो जाएगी यह चैप्टर ना, मतलब कि जो ऑप्टिक्स है पूरा समाप्त इंड हो जाएगी। उसके बाद हम लोग चलेंगे तरंग, मतलब वेव के बारे में जानेंगे, साउंड क्या होता है सब ना, ठीक है। चलिए इसके बारे में यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके प्रॉपर्टी को बना देते हैं। सर्वप्रथम आप इसको बना लीजिएगा, सबसे एकदम बेहतरीन चीज़ है ये, क्या है, बेहतरीन चीज़ है, बार बार एग्जाम में क्या हुआ कि पूछा हुआ है ना। चलिए इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं अब हम, और अब इसके यहाँ पर लिख देते हैं अवतल लेंस का उपयोग, अवतल लेंस का क्या लिख देते हैं, उपयोग लिख देते हैं, अवतल लेंस का उपयोग ना। अब चलते हैं हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, जल्दी आप लोग क्या करिए, इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए, जल्दी चाहें लिख लीजिए, हम चलते हैं आगे बढ़ जाते हैं अब ना, आगे बढ़ते हैं ना, क्या करेंगे हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी आप लोग इसको लिख लीजिए चाहे स्क्रीन शॉट ले लीजिए ना, हो गया ना। चलिए चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए प्रॉपर्टी लिखिए, इसका प्रॉपर्टी लिखते हैं। जो पहला आता है हम लोग का, जो पहला जो आता है अवतल लेंस का उपयोग चश्मे के निकट दृष्टि दोष को, पहला में लिखिए चश्मे के निकट दृष्टि के दोष को
दूर करने में। अब कहिए कि सर निकट दृष्टि दोष क्या कहलाता है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या कहलाता है, निकट दृष्टि दोष क्या कहलाता है, निकट दृष्टि दोष के बारे में जान लेते हैं ना। हमने तो दादाजी का चश्मा बना दिया यहाँ पे, बना दिया ना, ठीक है। अब देखिएगा कि निकट दृष्टि दोष यही बतलाता है कि जो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, 25 सेंटीमीटर के अंदर में जितने भी वस्तु रहेगा वह साफ साफ दिखाई देगा। क्या होगा? साफ साफ दिखाई देगा। एकदम दादाजी एकदम खट खट हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे। आज जैसे दूर की वस्तुओं को देखना रहता है, उधर ट्रेन चल रही है, उधर से चार को भैंस आ रही है, भेड़ आ रही है, उसको देख ही नहीं रहे, बोले कि दादाजी अब बचना। दादाजी बोल रहे हैं बाबू का सपना नाती से, ए बचवा हूँ कहाँ जाती है, तारा लौकत नहीं खे, लड़कवा बोल कर जाता है कि तारा लौकत नहीं खे। इतना शनका होता है लड़कवा, देखते हैं कि देहात में देखते हैं कि अच्छा ऐसा लड़का होता है, जब कोई बूढ़ व्यक्ति पूछता है कि बबुआ हो कौची जाता टे, देखो तो उल्लामा कौची जाता टे, तो वो बोल देता है कि तारा लौकत नहीं खे। इतना वो डांट के बोलता है, ऐसा नहीं बुझाता है कि वही सब उसको उनको दादाजी को पैदा किया है, जबकि दादाजी उन लोग को पैदा किया है। इतना उन लोग को दिमाग नहीं रहता है, अच्छे से बोलना चाहिए, बड़ बुजुर्ग को अच्छे से बोलना चाहिए ना। तो उनको क्या होता है कि दूर की वस्तु को ना दिखाई देता है, मतलब कि दूर की वस्तु को ना देख पाते हैं, क्या है तो उनको निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अब इसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यही वाला चश्मा लाना पड़ेगा, क्या है खाली उत्तर वाला, अवतल वाला नहीं, खाली अवतल वाला, उत्तर वाला नहीं, सॉरी खाली उत्तल वाला नहीं होगा, खाली अवतल का होगा। और मतलब कि दूर नज़दीक के वस्तु देख लेंगे तो काहे ला हम लोग उत्तल का प्रयोग करेंगे, खाली दूर की नहीं देख रहे हैं। जब दूर का नहीं देख रहे हैं हैं तो क्या करेंगे हम लोग, इसका प्रयोग करेंगे, किसका, अवतल लेंस की। कभी आप लोग देखे होंगे कि कोई लोग होता है जब किताब उताब पढ़ते हैं तभी खाली चश्मा को निकाल लगाते हैं और फेन क्या करते हैं, निकाल के फेन रख देते हैं, देखे हैं कि ना। तो उल्लू का जो लेंस का होता है वह उत्तल लेंस का बना होता है चश्मा, का इसका लेंस का बना होता है, उत्तल लेंस का बना होता है, प्योर उसमें उत्तल लेंस रहेगा ना, खाली नज़दीक की वस्तु को दिखाएगा। और जो देखें कभी पहनेगा ना, अखमकिया का होता है कि चकमका जाता है, बताया कि कितना बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, कभी देखिएगा पहनकर ना, तो बड़ा 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 दिखाई देता है, कोई भी वस्तु का होता है कि बड़ा दिखाई देता है उत्तल लेंस में ना, देखिएगा कभी पहनकर कि जो उत्तल लेंस होता है बड़ा बड़ा वस्तु का होता है दिखाई देता है ना, कभी पहन कर देख लीजिएगा दादाजी का चश्मा। और जो निकट दिश जो सॉरी जो उत्तल दर्पण का जब चश्मा पहनेगा तो वह दूर की वस्तु का होता है और इतने की नज़दीक दिखाई देता है ना। तो निकट दृष्टि दोष का प्रयोग मतलब कि 25 सेंटीमीटर के अंदर सब वस्तु दिखाई देगा लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है, मतलब कि दूर की वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष का प्रयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष के चश्मे का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं ना। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ना, आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, बताइए तो आगे बढ़े ना, बताइए। मतलब कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, मतलब कि वैसा दोष जो नज़दीक की वस्तु को साफ साफ देखता है, दूर की वस्तु को साफ नहीं देखता है, उसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। वैसा दोष जो नज़दीक की वस्तु को साफ साफ देखता है उसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष, मतलब कि नज़दीक की वस्तु साफ साफ देखता है, दूर की वस्तु को साफ साफ ना देखता है, उसे क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष, आए समझ में ना। तो इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, निकट दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। लिख लीजिए आप लोग कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, किसका, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, किसका, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं ना, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा नंबर प्रॉपर्टीज में लिखे हुए हमारे आते हैं गैलीलियो साहब, क्या करते हैं कि जो हमारे गैलीलियो होते हैं या टेलियोस्कोप के दूर की इमेज को दिखाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, कौन, तो गैलीलियो, कौन होते हैं, गैलीलियो साहब आते हैं, गैलीलियो, ये क्या करते हैं, जो गैलीलियो आते हैं टेलीस्कोप, क्या होता है, टेलीस्कोप का प्रयोग, मतलब टेलीस्कोप के इमेज, क्या करते हैं, टेलीस्कोप के इमेज के रूप में
देखने के लिए प्रयोग करते हैं। आते हैं हमारे गैलीलियो साहब। कौन आते हैं? गैलीलियो साहब। नौ, ये क्या करते हैं? ले आ देते हैं टेलीस्कोप। अब पूछ सकता है यहाँ पे तू लोग अब कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि टेलीस्कोप का खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? तो गैलीलियो ने। बोल सकते हैं ना कि टेलीस्कोप का खोज किसने? तो गैलीलियो ने ना। किसका? देख, टेलीस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? सॉरी, किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। क्या करते हैं? अवतल लेंस का ना। आप नेक्स्ट में लिख सकते हैं टार्च। क्या लिख सकते हैं? टार्च के रूप में। टार्च बता रहे हैं, टार्च कौन? टार्च ना, टार्च के रूप में। और चौथा में लिख लीजिए आप लोग कि पॉपोहन कैमरा ज़्यादा नहीं हो सकता। देखिए कैमरा, कैमरे ज़्यादा नहीं होता है। देखिए टार्च कौन? टार्च बता रहे हैं ना कि टार्च आया है। अब देखिए कभी क्या करते हैं कि जब कोई टार्च बारते हैं तो बारने के पश्चात क्या होता है कि जब जैसे ही आप टार्च लेते हैं, टार्च मान लीजिए हमारा टार्च हो गया ना, ये टार्च को क्या करते हैं कि बारते हैं, जितना ही दूर में क्या करते हैं कि फैला देता है, इतना ही क्षेत्र में क्या करता है कि फैला देता है प्रकाश को। इसी का क्या करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं प्रकाश के रूप में। ये प्रकाश, प्रकाश के रूप में ना अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्या है कि भीड़ क्या करो, प्रकाश को फैलाओ। ऐसा में वही जो होता है कैमरे को ज़्यादा नहीं कहता। अब क्या करते हैं कि कोई मोबाइल लेता है ना, अब मोबाइल का क्या करता है कि इमेज बना बनता है, मतलब कि ऐसे ना कर लेता है। कैसे? ऐसे ना, ऐसे ऐसे ना। कहाँ है? मतलब बढ़ा नहीं सकता है इमेज को ना, उसे वहाँ पे क्या होता है? अवतल लेंस का प्रयोग होता है ना। अब जो हम लोग का मेन पॉइंट आ रहा है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है क्यों? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है क्यों? यह मेन पॉइंट है, आता है पाँच नंबर में। दिखाई दे रहे हैं ना आप लोग को? बताइए तो अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं? अपसारी, क्या बोलते हैं? लेंस। जल्दी इसको मिटाइए तो हम अपसारी लेंस को क्या करें, समझाए ना इसको, क्या करिए कि जल्दी इसको क्या करिए कि आप लोग जल्दी इसको उतार लीजिए कि हम अपसारी लेंस को समझाई ना, समझा देना हो। बताइए तो सर स्क्रीन शॉट लीजिए इसको, पहले स्क्रीन शॉट ले लीजिए कि हम जल्दी बता दें ना, स्क्रीन शॉट ले लीजिए कि हम जल्द बता दें। चलिए स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे तो हम क्या करते हैं यहीं पर बता देते हैं। मान लीजिए उभय उत्तल लेंस हो गया, उभय लेंस उसको क्या करते, थोड़ा थोड़ा काट देते हैं। उभय उतलना भी लेंस बन गया, तू लोग बना लेना। आपका हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि मान लीजिए क्या हुआ, हमारा प्रधान अंश हो गया ना। अब क्या होता है कि जब इस पर किरण पड़ती है ये क्या हो जाती है? फैल जाती है। किरण पड़ते ही क्या हो जाता है? फैल जाता है। किरण पड़ते ही क्या हो जाता है? फैल जाता है। जितने भी किरण पड़ता है, जितने भी किरण पड़ता है उत्तल लेंस अवतल लेंस पे, सब किरण क्या होता है? फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है। सब किरण क्या हो जाती है? फैल जाती है। सब किरण क्या हो जाता है? फैल जाती है। मतलब जितने भी इस पर किरण पड़ता है सब किरण क्या होता है? फैल जाता है ना। देखें कभी टर्च मारते हैं तो इतना दूर में खाली अंजूर करता है, दूर तक ना जाता है। तो दूर तक लाने के लिए क्या करेंगे? अवतल लेंस का, सॉरी उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। है समझ में? तो आई होप इसलिए हम क्या करते हैं कि अपसारी लेंस, अपसारी लेंस क्या करता है कि प्रकाश को फैला देता है, इसी को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस ना। तो ठीक है, अगले चैप्टर में हम लोग क्या प्रवेश करेंगे ना, जिसका नाम है तरंग और ध्वनि, वेव ऑफ साउंड ना। अगले चैप्टर में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद ना। मेहनत वही कर सकता है जिसे नौकरी लेने के लिए जुनून पूरे शरीर में क्या हुआ है? फैला हुआ है। जो इस व्यक्ति के पास नींद रात त्याग दिया है नौकरी के पीछे, वही व्यक्ति एक दिन क्या होगा? सफल होगा। मतलब एक दिन वही सफल हो सकता है जो अपने नौकरी के पीछे क्या कर दिया है? पूरा देह हाथ मन दिमाग पूरा क्या कर दिया है? लगा दिया है पढ़ाई में, सिर्फ पढ़ाई में।
उसी व्यक्ति को नौकरी सफल हो सकती है। देखते हैं कि कई सारे बच्चे होते हैं कि दिन भर क्या करते हैं कि मोबाइल चलाते हैं, कोई को देखौती में क्या करते हैं कि चलते हैं कापी उघर हैं, ऐसे व्यक्ति कभी सफल नहीं होते हैं ज़िंदगी में। क्वेश्चन, तुमसे यह ना बोले कि हम ना बनेंगे, बल्कि वह डरा कर बन जाए तुमसे। इतना रिवीजन कर लो, इतना मेहनत कर लो कि क्वेश्चन ना बोले कि हम तुमसे ना बनेंगे, बल्कि तुम कहो कि तुम अपने आप से बन जाएगा। इतना मेहनत करो, इतना रिवीजन कर लो, ठीक है। और ऐसा ही प्यार और दुलार के साथ हम लोग अगले चैप्टर में मिलने वाले हैं, कौन, वेव और साउंड ना, ठीक है। और भाई एसपी सर की तरफ से क्या नमस्कार, अच्छा वीडियो लगे तो क्या कमेंट करना, क्या ना, ठीक है भाई एसपी सर तरफ से नमस्कार, जय हिंद।